बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और शुक्र है अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइज, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़, अभी सुबह टाइम हो रही है और घर से निकला हूँ। तो गाइज़, एक और बात बतानी थी मैंने आपसे। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद है कि आप लोग आज का व्लॉग जो है वो एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमज़ा और आकाश भी मेरे साथ हैं, इसको लेकर आया हूँ। तो गाइज़, बात ये थी कि माशाल्लाह से हमारा यहाँ रात भर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारी ये वाली जो नदी है इसमें पानी आई है, काफ़ी तेज़ी से बह रही है। मैं तो थोड़ा सा लेट उठा हूँ तो पानी वहाँ तक थी। मैं आपको सारा एरिया दिखाता हूँ। तो हमजा और काश भी मेरे साथ है माशाल्लाह से, काफ़ी वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, अभी इधर ही बैठी हुई है। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये जो नदी आई हुई है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिएगा। पानी तो यहाँ तक आई थी और अब आप देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी कितने तेज़ी से बह रहे हैं। तो ये आप ही देख सकते हैं, हमजा और आकाश भी खड़े हैं साइड पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप आज का व्लॉग जो है वो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। यहाँ तो जगह काफ़ी खुला हुआ है तो पानी काफ़ी आराम से बह रही है, लेकिन नीचे वाले जो जगह है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उधर पानी बहुत तेज़ी से बह रही है, क्योंकि वहाँ जगह जो है वो छोटा है तो उसमें पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बह रही है। यहाँ तो जगह खुला हुआ है तो काफ़ी आराम से बह रही है पानी, तो आप ये देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, तो नीचे वाले जो जगह है मैंने आपको बताया कि छोटी, उधर काफ़ी तेज़ी से पानी बह रहा है, तो उधर चलते हैं अब। तो अभी तो हमजा फंसा हुआ है, हमजा ना ऊपर ओ। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि स्लिप हुआ हूँ मैं, हाथ देना। तो चलते हैं नीचे, चलो आकाश आगे चल, तू भी चल। तो गाइस, माशाल्लाह से हमारा यहाँ रात भर बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और हमजा और काश भी इंजॉय कर रही है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। तो आकाश, ये किस चीज़ के पैर बने हुए है? भेड़िए। हाँ, भेड़िए के, कुत्ते के है। हाँ, कुत्ते के इधर भेड़िए क्या करेंगे, क्यों नहीं, जंगल में भेड़िए नहीं होते? नहीं, ये तो जंगल नहीं है ना। तो हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। नहीं, नीचे जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमजा की चप्पल फंसी हुई है, तो कभी हमजा फंस रहा है कभी चप्पल फंस रही है। हमजा काका कहते हैं।
ये जो जगह है ये तो खुला हुआ है, मैंने जो जगह बताई कि वो छोटा है, खुला हुआ नहीं है, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पानी कौन से वाली जगह पे ज़्यादा तेज़ी से बह रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, तो ये तो आप देख के खुद ही बताएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं चलता हूँ नीचे और आप देखिए जगह। बैठे हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमजा क्या कर रहे हो? आपके चप्पल धो रहे हो और क्या कर रहे हैं? क्यों? पूरा हाल आधा खराब हो गया, देखो। ये क्या हुआ है? ये कैसे गंदे हुए? किस चीज से? अच्छा, और अवकाश, अवकाश तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से अवकाश अपना पैर साफ कर रहा है अभी। वकाश के पतले पतले पैर है। ये जो कार्टून है ना मोटू पतलू, वकाश सेम टू सेम पतलू है। एक तो दो दांत ही नहीं है वकाश के, तो दूसरे जो है वो पतला है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़हीन बच्चा है वकाश। और हमजा को देखो, हमजा तो ना मोटू है और ना पतलू है। अच्छा, तू मीडियम है जी। गाइस, तो ये देखिए, और आकाश को मैं पानी के अंदर लाया हूँ। साइड पे खड़े हैं हम तीनों, और वहाँ जो है वो काफ़ी गहरी हुई पानी है, तो हम उधर नहीं जा सकते। आकाश, मजा आया? वो ये तो मेरे चोरा था। कितना मजा आया? ज्यादा ज्यादा। और हमजा को? मुझे भी ज्यादा। अच्छा, तो गाइस कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।